ये आप ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं सिन्हा साहब आपका रुख करना चाहूंगी कि अभी तक सेना पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब क्योंकि एक चिट्ठी का जिक्र आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र आ गया है, तो सेना के पास कोई विकल्प नहीं बचा और अब सेना को सामने खुद कमर बाजवा को इमरान खान से मुलाकात करने पहुंचना पड़ा। सिन्हा साहब देखिए शोभना, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसा लगता है जो कहा जाता था कि इमरान खान यू नो बॉल की टेम्परिंग बहुत अच्छा करते हैं, गुगली फेंकते हैं, शायद ये जो चिट्ठी लहराई थी उन्होंने जो जलसा के ऊपर में, और इन्होंने कहा कि ये एक कोई केबल है या कोई एक मैसेज आया है, और फिर कंट्री का नाम नहीं लिया, उनको साफ ड्रिंक नहीं किया, उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि वो दे देंगे, जुडिशरी को देंगे ये चिट्ठी, मगर इस चिट्ठी में तो जो बात आ रही है कि बाहर की फोर्सेस उनको हटाना चाहती हैं, और यूएस का जिक्र भी आ रहा है, यूएस के तरफ से एक ये भी आया है कि हमने ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जबकि ये भी खुल के आ गया कि एम्बेसडर साहब ने वहाँ के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो उनको बदल दिया गया है, वो शायद इस तरह की कोई केबल भेजे थे जिसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो बात कह रहे थे काटजू साहब, देखिए वहाँ पर नौ कोर कमांडर साहब जो हैं, ISI चीफ और आर्मी चीफ, जो इनका चलता है, इनकी जो तालमेल है और इस तालमेल के अंदर चलती है, मगर ऐसा नहीं है, उनके भी खेमे हैं, ये नाइन कोर कमांडर्स कभी भी एक पेज में आपको नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ISI में और जो आर्मी चीफ हैं आज के दिन में, जो नदीम अंजुम है, जो बाजवा साहब ने उनको खुद लाया और उसकी कंट्रोवर्सी आपने देखी थी कि किस तरह से चला था पूरा का पूरा माजरा, और उसमें भी कहीं पर एक एंट्री थी उनकी जो चौथी बीबी हैं भी उसमें जादू टोने का भी जिक्र आ गया है। जादू टोने के अलावा उसके अंदर में जो पुराने ISI चीफ थे उसके अंदर में एक बहुत बड़ा जो कहते हैं बुशरा बेबी एफेक्ट्स, ये यहाँ पर हमारे मीडिया में तो नहीं चल रहा है, पाकिस्तान के मीडिया में भी नहीं है, पर बाहर कहते हैं, तो वो चीजें भी इसमें आ गई। मैं सिन्हा साहब आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर इस समय की आ रही है और बड़ी खबर बताना अपने दर्शकों को बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में खुफिया चिट्ठी पर चारों तरफ खलबली, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद अब सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति की भी बैठक बुला ली गई है, यानी बड़ी खबर यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बैठक हुई उसके बाद अब सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक भी बुला ली गई है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इस बैठक में खुफिया चिट्ठी पर चर्चा होनी है। ये बैठक पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर ने बुलाई है। हमारे साथ मुनी साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मुनी ABP News आपको रखे आगे।